नमस्कार, मैं प्रिया। आज 19 नवंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। वल्लभ भाई पटेल संस्थान ने विभिन्न पदों के लिए मांगे आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय के वल्लभ भाई पटेल संस्थान ने विभिन्न विभागों में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए कुल 71 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर भर्ती शुरू करने के संबंध में संस्थान ने अपनी वेबसाइट bpci.org.in पर नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन करने के इच्छुक छात्र 13 दिसंबर 2020 से पहले ज्वाइंट रजिस्ट्रार बीपी चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस के पते पर एक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन भेज सकते हैं। यह भर्ती अभियान कुल 71 शैक्षिक गैर शैक्षिक पदों को भरने के लिए शुरू की गई है। इनमें से 41 रिक्तियां मिनिस्टेरियल विभाग, 24 रिक्तियां टेक्निकल विभाग, 5 रिक्तियां नर्सिंग और 1 रिक्त पुस्तकालय के लिए है। नहाय खाय के बाद आज से खरना, छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद आज खरना है। छठ का पर्व 4 दिनों का होता है और इसका व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन होता है, इसलिए इसे महापर्व के नाम से जाना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार छठ पूजा का खरना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तारीख को होता है, जो कि आज है। कई जगहों पर खरना को लोहंडा भी कहते हैं। इसका छठ पूजा में विशेष महत्व होता है। खरना के दिन छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद बनाया जाता है। खरना के दिन दिन भर व्रत रखा जाता है और रात प्रसाद स्वरूप खीर ग्रहण किया जाता है। इसके बाद कल शाम को अर्घ दिया जाएगा। लखीसराय के जलप्पा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बियावान प्राकृतिक छटाओं और घाटीनुमा भूमि के बीच अवस्थित शक्तिपीठ मां जलप्पा देवी स्थान जिले में भी काफी प्रसिद्ध है। जलप्पा देवी और आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को खूब लगती है। इसके अलावा यहां प्रत्येक पूर्णिमा, पंचमी, अमावस्या, मंगलवार एवं शनिवार को दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। चानन प्रखंड के पूर्व मुख्यालय बन्नू बगीचा से 2 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी क्षेत्र और जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित जलप्पा स्थान मुख्य रूप से गौ पूजा के लिए जाना जाता है। बिहार में कोरोना के मिले 700 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 734 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,28,680 पर पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 285 नए मामले सामने आए हैं, वहीं पूर्णिया में 39 मामले सामने आए हैं। आज से रात के तापमान में हो सकती है गिरावट। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके में हो रही बर्फबारी और बारिश का असर बिहार में भी दिखने लगा है। रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम में आज से बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। सीजन का पहला सक्रिय पश्चिमी विभोक्ष के कारण उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वर्षा हुई है। पर्वतीय राज्यों पर हुई ताजा बर्फबारी और ठंडक उत्तरी पश्चिम हवाओं के साथ मैदानी इलाके पर भी पहुंचेगी, जिसके बाद अधिकांश जिले में आज रात तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। बिहार में मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए मेरिट लिस्ट हुई जारी। बिहार में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 85% मेडिकल सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग तारीख जारी कर दी गई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों के 85% सीटों पर एडमिशन के मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स जारी कर दिए हैं। मेरिट लिस्ट में शामिल स्टूडेंट्स सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है, जो कि 24 नवंबर तक जारी रहेगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विध्वंसिनी देवी की। मुजफ्फरपुर में जन्मी विध्वंसिनी देवी को बिहार कोकिला कहा जाता है। मात्र 14 साल की उम्र में शादी के बाद जब वो साल 1945 में पटना आई तो पति ने उन्हें संगीत सिखाया और वो गाने लगी, जिसके बाद से वो लोकगीत गाने लगी। 1955 में आकाशवाणी केंद्र पटना में लोक संगीत प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हुई तो उन्होंने बिहार की सभी बोलियों पर काम किया। विध्वंसिनी देवी ने बिहार के सभी लोक भाषाओं पर काम किया था और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भी लेकर गई थी। उनके इस काम के लिए उन्हें 1974 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। बिहार से नाता रखने वाले भारतीय अमेरिकियों ने दी नीतीश कुमार को बधाई। मूल रूप से बिहार से नाता रखने वाले भारतीय अमेरिकियों ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में जीत के लिए ढेर सारी बधाई दी है और राज्य के विकास के लिए भी अपना प्रस्ताव रखा है। बिहार के भारतीय अमेरिकियों ने एक समूह ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो अगले 5 साल अपनी सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं औद्योगिकरण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बिहार में एक बड़ा पर्यटन स्थल बनने की क्षमता है, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी।
बिहार के बीज विक्रेता अब केवल कर सकेंगे लाइसेंस वाले प्रजाति के बीज की बिक्री। अब बिहार के बीज विक्रेताओं को बगैर लाइसेंस वाले बीज बेचना महंगा पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के बीज विक्रेताओं पर सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत विभाग ने साफ कर दिया है कि लाइसेंस पर बीज के प्रभेद का भी नाम होने की बात कही गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जिस प्रभेद का लाइसेंस होगा उससे इतर अन्य प्रभेद की बिक्री डीलर नहीं कर सकेंगे। अगर फिर भी कुछ डीलर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो जांच के दौरान ऐसा पाया गया तो कार्रवाई होगी, उनका लाइसेंस सक रद्द किया जा सकता है। छठ के लिए 107 घाट हुए बनकर तैयार। कोरोना के माहौल में लोक आस्था के पर्व छठ का आयोजन बीते दिन से शुरू हो चुका है। वहीं आस्था को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में घाट बनकर भी तैयार हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पटना में छठ के लिए इस बार कुल मिलाकर 107 घाट बनाए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले 90 घाटों पर ही छठ कराने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 107 कर दी गई है। 15 दिसंबर से पहले करें रबी फसलों की बुआई। रबी फसल जैसे गेहूं, मक्का, तिलहन, चना और मसूर के बुआई करने का मन बना रहे हैं तो उपयुक्त समय अब शुरू हो चुका है। कृषि विज्ञानी के अनुसार क्षेत्र में गेहूं सहित अन्य फसलों को लगाने का सही समय 15 दिसंबर से पहले का होता है। क्षेत्र के प्रगतिशील और जागरूक किसान अच्छी फसल एवं उत्तम पैदावार के लिए अपने खेतों में फसल की बुआई समय पर करते हैं। जिले में इस बार गेहूं के लिए 7000 हेक्टेयर, तिलहन के लिए 4590 हेक्टेयर, मक्का के लिए 36000 हेक्टेयर, मसूर के लिए 1640 हेक्टेयर, मटर के लिए 1720 हेक्टेयर, चना के लिए 525 हेक्टेयर बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अप्रशिक्षित शिक्षकों को किया जाएगा सेवा मुक्त। शिक्षा विभाग ने अपना अहम फैसला जारी किया है, जिसके तहत 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों को सेवा मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नियोजन इकाई को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विभिन्न जिलों में कोर्ट में अपील करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में कोर्ट में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने सभी डीईओ स्थापना को पत्र भी जारी कर दिया है। पत्र में बताया गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण हासिल करना था। इसके लिए भारत सरकार ने 18 महीने का डीएलएड पाठ्यक्रम का संचालन किया था। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति 25 को। बिहार विधान परिषद और विधानसभा के सत्र की तारीख घोषित कर दी गई है, जिसके तहत विधान परिषद की कार्यवाही 26 और 27 नवंबर को होने वाली है, जबकि बिहार में नवगठित 17वीं विधानसभा का पहला सत्र 23 से 27 नवंबर तक जारी रहेगा, जिस पर कैबिनेट बैठक में ही मुहर लगा दी गई थी, जिसके बाद अब 25 को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, जिसके अगले दिन 26 को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, वहीं 27 को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। छठ के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 मजिस्ट्रेट के साथ 1000 जवानों की होगी तैनाती। छठ पूजा की शुरुआत बीते दिन से नहाए खाए के साथ शुरू हो गई है। वहीं छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, इसको लेकर पटना पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। छठ घाटों से लेकर सड़कों तक पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है, ताकि छठ का आयोजन शांतिपूर्वक करवाया जा सके। 1000 से अधिक जवानों और लगभग 100 पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ ही छठ घाटों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। छठ घाटों के आसपास श्रद्धालुओं के लिए क्विक मोबाइल की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। इससे पूर्व पटना में डीएम ने छठ घाटों की निगरानी के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर साधा नीतीश कुमार पर निशाना। मेवालाल चौधरी के शिक्षा मंत्री बनते ही राजनीति शुरू हो गई है, जिसके बाद अब इस राजनीति में तेजस्वी यादव भी कूद गए हैं, जिसके तहत उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या उन्हें लूटने की खुली छूट प्रदान की गई है, जिसके तहत तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के भगौड़े आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता संरक्षित दागियों की मौज है और रिकॉर्ड तोड़ कुशासन की बहार है। बिहार की नेहा ने सोनू सूद को दिया अपनी शादी का न्योता। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में लोगों के लिए मसीहा बने सोनू सूद सभी के दिलों में राज करते हैं। हालांकि अब सोनू सूद एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। वहीं इस बार उनके चर्चा का कारण कुछ और है। अभिनेता को इस बार मदद के बजाय शादी पर आने का न्योता दिया गया है। भोजपुर जिले की रहने वाली नेहा सहाय ने ट्विटर पर अभिनेता सोनू सूद को अपनी शादी का निमंत्रण भेजा है। नेहा ने सोनू सूद को टैग करते हुए ट्वीट में लिखा, सॉरी सर, एक्साइटमेंट में आपका नाम लिखना भूल गई थी। शादी में आपके आने से ही मैं दुनिया के सबसे खुशनसीब लड़की बन जाऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी। जिसका जवाब देते हुए सोनू सूद ने लिखा, चलो बिहार की शादी में चलते हैं।
मेवालाल चौधरी को लेकर भिड़े लालू और मांझी। बिहार के नवनियुक्त मेवालाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर बवाल मच गया है, जिसके बाद अब राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने बीते दिन ट्वीट जारी करते हुए कहा कि तेजस्वी जहां पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध थे, वहीं नीतीश ने पहली कैबिनेट में नियुक्ति घोटाला करने वाले मेवालाल को मंत्री बना अपनी प्राथमिकता बता दिया है। विडंबना देखिए, जो भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे आज मेवा मिलने पर मौन धारण किए हैं, जिसका जवाब मांझी ने देते हुए कहा कि पहली बार देख रहा हूं जब भ्रष्टाचार का पुत्र, जिसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के कई मामले चल रहे हैं, वो किसी और के खिलाफ भ्रष्टाचार की मुहिम चला रहा है। कार्यभार संभालते ही तारकिशोर प्रसाद ने नल जल योजना को गंभीरता से लागू करने की कही बात। बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान तारकिशोर प्रसाद ने अपना बयान जारी किया है, साथ ही पदभार संभालते ही उन्होंने नल जल योजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नल जल योजना को पूरी शिद्दत से लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जल्द ही विभागीय स्तर पर बैठक करके सभी तथ्यों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें, तारकिशोर प्रसाद ने पुराने सचिवालय स्थित वित्त विभाग के कार्यालय में बतौर वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया फास्टैग। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। पूरे देश में सरकार फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा से 100% भुगतान प्राप्त करना चाहती है और टोल प्लाजा पर कैश लेन देन की पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है। आपको बता दें कि इस समय देश के 80% टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध है, जिसे सरकार दिसंबर के अंत तक 100% करना चाहती है। बता दें कि फास्टैग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और NHAI की पहल है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग है जो गाड़ियों के आगे के शीशे पर लगा होता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है। आज ही के दिन साल 1835 में बहादुरी की मिसाल लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। 1917 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1982 में आज ही के दिन 9वां एशियाई खेल दिल्ली में शुरू हुआ था। 1994 में आज ही के दिन भारत की ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड चुनी गई। 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मृदुला सिन्हा के गुजर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और गोवा की पूर्व राज्यपाल रह चुकी मृदुला सिन्हा ने बीते दिन राजधानी दिल्ली में दुनिया को अलविदा कह दिया है। ज्ञात हो, मृदुला बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। वो साल 2014 से लेकर 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही थी। वहीं उनके गुजर जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत सभी नेताओं ने उनकी आत्मा की की कामना की है। कंगना रनौत और उनकी बहन को मुंबई पुलिस ने जारी किया समन। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने समन जारी कर दिया है, जिसके तहत दोनों बहनों को जल्द से जल्द पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बहनों को बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया है। कंगना को 23 नवंबर को और रंगोली को 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि मुंबई पुलिस इससे पहले भी 2 बार उन्हें समन भेज चुकी है। एक के जवाब में उन्होंने घर में शादी होने का जवाब दिया था, वहीं दूसरे समन का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। दरअसल FIR के मुताबिक कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने अपने ट्वीट्स के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ का वीडियो सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है। हालांकि टीम फिलहाल क्वारंटाइन पीरियड से गुजर रही है। इस दौरान टीम के खिलाड़ी साथ में मस्ती करते भी नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के वीडियो पहले ही शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब शिखर धवन ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शिखर धवन और पृथ्वी शॉ का डांस वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में शिखर धवन और पृथ्वी शॉ सात समंदर पार में तेरे गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको शेयर करते हुए धवन ने लिखा है, लैला मुझे अभी भी पागल बना रही है। ट्विटर ने फ्लीट्स फीचर को दुनिया भर के यूजर के लिए किया रोल। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने दुनिया भर में फ्लीट्स फीचर का शुभारंभ कर दिया है, जिसके तहत ट्वीट 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएगा। यह बिल्कुल स्नैपचैट और फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के जैसा होगा। इन स्वतः विलुप्त होने वाले ट्वीट, फोटो और वीडियो को ही सम्मिलित रूप से फ्लीट्स नाम दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये फ्लीट यूजर के होम टाइमलाइन के शीर्ष पर दिखेंगे। ये सेंडर्स प्रोफाइल में उपलब्ध होंगे। इस फीचर को लॉन्च करने से पहले कंपनी ने भारत, ब्राजील, इटली, दक्षिण कोरिया और इटली में परीक्षण किया है।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,890 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,890 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, विकास यादव, विजय कुमार, दीपक कुमार, अनुप कुमार, सौरभ कुमार गोस्वामी, वीडियो नवीन कुमार, रवि रंजन कुमार, राजेश कुमार रंजन, गौतम कुमार, पंकज कुमार, सोमनाथ कुमार, बिट्टू कुमार, अशफाक राज, मुन्ना पंडित, शशिकांत कुमार, सौरभ कुमार, रेखा राय, सुनील कुमार, कुणाल पांडे, गोविंद गौतम। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाले मैच में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।